नमस्कार विलाई, नमस्कार मेरे दोस्तों। सामने मेन गेट है और ये रहा शहीद उद्यान। तो ये रहा शहीद उद्यान का जो सामने का व्यू कुछ इस प्रकार है। शहीद पार्क का व्यू देख सकते हो भाई। यहाँ तो बैठते हैं पब्लिक, लेकिन यहाँ भी पब्लिक बैठे हुए हैं। तो गाइस, हमारी फैमिली के पूरी व्यक्ति आए हैं कि नहीं आए हैं वो अभी फिलहाल अंदर जाके देखता हूँ और फ़ोन कॉल करता हूँ, जिससे पता कर लूँगा कि आए हुए हैं कि नहीं आए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जस्ट शहीद पार्क के जस्ट बाहर हूँ, तो मैं और मेरे भाई एक गाड़ी में हम लोग। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि मम्मी वगैरह मौसी वगैरह सब लोग आए कि नहीं। हम लोग से पहले आ गए थे, उन लोगों को रास्ता नहीं मालूम था। तो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले इस वीडियो पर, और लाइक भी कर दीजिए। सो गाइस, अभी फिलहाल भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। गाड़ियाँ देख के समझ सकते हो, इधर भी गाड़ियाँ देख के समझ सकते हो। सामने मेन गेट है और ये रहा शहीद उद्यान, जो कि बहुत बेहतरीन गार्डन है भाई, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है पार्क का, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए ही पब्लिक आते हैं भाई, क्योंकि ये मतलब पार्क है जो कि बहुत बढ़िया और कुछ बढ़िया चीज़ की जानकारी देते हुए इस पार्क को बनाए गए हैं। तो ये रहा शहीद उद्यान का जो सामने का व्यू कुछ इस प्रकार है। शहीद उद्यान लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तोप रखा हुआ है, जिसको पहले भी आपको पिछले वीडियो पर दिखा चुका हूँ। तो अब मुझे ढूंढना है कि मम्मी लोग कहाँ पर हैं। तो वहाँ पे जा रहे हैं मम्मी लोग, तो इधर से जाना चाहिए था उन लोग को। सो गाइस, अभी फिर हर शो स्टार्ट होने वाला है, तो जस्ट सामने चलते हैं और शो दिखाता हूँ सबसे। पूरे फैमिली आ चुकी है, तो इन लोग साइड से देखने स्टार्ट था, तो साइड से तो कुछ समझ नहीं आएगा। अभी फिलहाल मेरे को ब्लैक नज़र आ रही होगी, मेरा चेहरा पूरा ब्लैक नज़र आ रहा होगा। तो अभी शहीद पार्क का व्यू देख सकते हो भाई। यहाँ तो बैठते हैं पब्लिक, लेकिन यहाँ भी पब्लिक बैठे हुए हैं। सामने भी देख सकते हो कि किस तरीके से अभी फिलहाल भीड़ है और चारों तरफ इसी हाल है भाई, यही हाल है। सभी तरफ पब्लिक है, फुली पब्लिक भाई, फुली क्राउड है। आज तो संडे है, क्योंकि अपने लिए जगह नहीं है, लेकिन अपन सीढ़ी पे बैठे हैं ऊपर जाके। तो गाइस, अभी फिलहाल ऊपर आ चुका हूँ मैं, पूरा ऊपर से नज़ारा देख सकते हो। तो यहाँ पर लेजर शो स्टार्ट हो गया है, और ये रहा भगत सिंह, जिनके बगल में अभी फिलहाल मैं बैठा हूँ। सामने गेट है ये वाला। अभी फिलहाल पूरी लाइट बंद कर दिए जा रहे हैं, देख सकते हो पूरा लाइट बंद कर दिया। तो यहाँ पर चलेगा, अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर है इंडिया का फ्लैग, जो कि लहरा तो नहीं रहा रात के समय, क्योंकि मज़ा आने वाला है आपको, अभी फिलहाल दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी चालू होने वाली है। सो इस पर चालू हो चुका है, जो कि सामने से नज़र आएगा। ये देख सकते हो लेज़र आ रही है, और जो हम लोग को दिखने वाला है वो जस्ट सामने दिखने वाला है। अभी आवाज़ नहीं आएगी आपको। नमस्कार विलाई, नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सबका शहीद उद्यान में। मित्रों, आप सब जानते हैं यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिली, इसके लिए न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इन्हीं वीरों को आज हम नमन करते हैं। उन्हीं वीरों में एक नाम है शहीद भगत सिंह, जिसने सर पे सेहरे के बदले कफन बांधा था और आजादी लाने के लिए हंसते हंसते शहीद हुए। इस महापुरुष की एक विशाल काय प्रतिमा ऊंचाई 25 फीट 10 इंच इस उद्यान में मौजूद है। इस उद्यान के बाहरी दीवारों पर सुरक्षा बलों के प्रतीक चिन्ह हैं, तथा भीतर विशालकाय राष्ट्रीय ध्वज एवं वॉल ऑफ ऑनर है, जिन्हें देखकर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। प्रसाद बिस्मिल तथा उनके साथियों द्वारा लिखे एक प्यारा सा गीत।
मेरा रंग पे बसंती चोला मेरा रंग पे। शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है। भिलाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का तीसरा बड़ा शहर है। मुंबई कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए जग प्रसिद्ध शहर शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी नाम रखता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के औद्योगिक विस्तार की परिकल्पना के कारण भारत रूस में बना भिलाई इस्पात संयंत्र। इसे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 4 फरवरी 1959 को पहले ब्लास्ट फर्नेस के उद्घाटन के साथ शुरू किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य उत्पाद हैं वायर एंड रॉड। यह संयंत्र श्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए लगातार 11 बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी जीत चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 से हुआ। कहते हैं किसी समय इस क्षेत्र में 36 गढ़ थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। छत्तीसगढ़ भारत में सबसे तेजी से विकसित राज्यों में से एक है। भिलाई ने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, फिर चाहे वह राजनीति हो, खेलकूद हो या फिर चाहे वह संगीत ही क्यों ना हो। हमारे भिलाई से इन क्षेत्रों में पारंगत अनेक कलाकार एवं खिलाड़ी हैं, शहर और अपने देश का नाम रोशन किया है। यहाँ पर सभी धर्म एवं संप्रदाय के लोग निवासरत हैं, इसलिए भिलाई शहर में एक छोटे भारत की छवि देखने को मिलती है। भिलाई के हृदय स्थल सेक्टर 5 में स्थित इस शहीद उद्यान का निर्माण नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा किया गया है। गाइस अभी फिर शो भी खत्म हो गया है और इतने ज्यादा भीड़ थे जो कि आपको पूरा दिखा दिया हूँ। सो गाइस अभी फिलहाल मैं यहाँ से निकल के चौपाटी जा रहा हूँ सिविक सेंटर, तो वहाँ कुछ खाते हैं और पूरी फैमिली चले गई है। मैं अकेले बच चुका हूँ और अकेले मेरे को चौपाटी सिविक सेंटर जाना है, तो मिलता हूँ सीधा चौपाटी पे। गाइस सिविक सेंटर आ चुके हैं और सिविक सेंटर पर क्या खाने फिलहाल मैं आपको दिखलाने वाला हूँ क्या खाते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है अभी, फिर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो चेहरे में ब्लैक ब्लैक आईज आ रही होगी अभी फिलहाल। इसके गुब्बारे का धागा मेरे पास है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे।
फोड़ देगी अभी। देर में अपना आ गया छोले भटूरे भी, फिर सबका थाली फूल है भाई, हमारा थाली अभी आया है। तो गाइस ये रहा चेन्नई, यहाँ से अपन पूरे भर पेट खाना खा चुके हैं। छोले भटूरे के बाद भाई अपन चिल्ली भी खा चुके हैं। तो सब चीज़ खाने के बाद अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह से और वीडियो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस। अभी फिलहाल ब्लैक आ रहा होगा तो निकलता हूँ, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक लिए बने रहें।